नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए क्लास के साथ, और आज का जो क्लास होने वाला है वो है झारखंड सामान्य ज्ञान का। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे खरवार जनजाति के बारे में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो खरवार जनजाति का बारे में जो पहला पॉइंट है, खेरवार परंपरा के अनुसार खेरीझार नामक जगह से आए थे, इसलिए खरवार कहलाए। तो खेरवार जनजाति के लोग खुद को कहाँ से आया हुआ मानते हैं? एक खेरीझार नामक जगह है, वहीं से खुद को मानते हैं कि वो उस जगह से आए हैं, तो इसलिए खुद को खरवार कहते हैं। अगला पॉइंट है, खरवार झारखंड के पाँचवीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो खरवार जनजाति जो है झारखंड के पाँचवें नंबर की जनजाति है, और इससे पहले कौन कौन सी जनजाति आती है टॉप फोर में? तो पहला नंबर में है संथाल जनजाति, दूसरे नंबर में है उरांव जनजाति, तीसरे में है मुंडा जनजाति, चौथे में हो जनजाति, तथा पाँचवें नंबर में खरवार जनजाति। अगला पॉइंट है, इनका जमाव पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में है मुख्यतः। तो पलामू प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? पलामू, लातेहार तथा गढ़वा। तो इन ज़िलों में खरवार जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है, और यह खरवार जनजाति की जनसंख्या का घनत्व है वो पलामू प्रमंडल में ही है। इसके अलावा रांची और हजारीबाग के ज़िले में कुछ संख्या में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, खरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि खरवार जनजाति के जो लोग हैं वो द्रविड़ प्रजाति समूह से आते हैं। अगला पॉइंट है, सामाजिक व्यवस्था। दोस्तों, खरवार जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो खरवारों की कुल चार उपजातियाँ हैं। जो खरवार जनजाति के लोग हैं उनको कुल चार उपजातियां हैं। तो वे कौन कौन सी उपजातियां हैं उनके बारे में जानते हैं? तो वे हैं भोक्ता, मांझी, राउत तथा महतो। तो ये चार उपजातियों में खरवार जनजाति के लोग बटे हुए हैं। अगला पॉइंट है, जमींदार खरवार को राजपूत कहा जाता है तथा सामान्य खरवारों को भोक्ता तथा मांझी कहा जाता है। जो उच्च कुल के या जो अच्छे खानदान के जो खरवार होते हैं वो राजपूत खानदान के खरवार कहलाते हैं, तथा जो बाकी जो खरवार हैं वे भोक्ता या मांझी कहा जाता है उन्हें। अगला पॉइंट है, खरवारों में जो बाल विवाह होता है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए कम उम्र में ही लड़का लड़की को शादी दे दिया जाता है। अगला पॉइंट है, खरवार ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया या बैगा कहलाता है। जो खरवार गांव होता है उसका मुखिया को, उसके गांव का प्रमुख को मुखिया या बैगा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, चार गांवों की पंचायत को मिलाकर चट्टी बनती है। जो चार गांवों का जो पंचायत होता है उसको चट्टी कहा जाता है। उसके बाद है, पांच गांवों का पंचायत को पंचोरा कहा जाता है, तथा सात गांवों के पंचायत को सतोरा कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरवार जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है। तो चार गांवों के पंचायत को मिलाकर चट्टी बनता है, पांच गांवों के पंचायत को मिलाकर उसको पचोरा कहा जाता है, तथा सात गांव का जो पंचायत होता है उसको सतोरा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, एक से अधिक गांव के पंचायत से मिलकर बने पंचायत के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। एक से ज़्यादा गाँव के पंचायत से मिलकर जो पंचायत बनता है उसका प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। अगला पॉइंट है, खरवारों का मुख्य पेशा कृषि है तथा कुछ खरवार जमींदार हैं। तो हर जनजाति की तरह खरवार जनजाति में भी खरवार जनजातियों का भी जो मुख्य पेशा है वो है कृषि, और तथा जो राजपूत घराने से जो खरवार आते हैं वो ये बहुत सारे जमींदार हैं और उनके पास बहुत सी ज़मीनें हैं। अगला पॉइंट है, हम खरवारों के धर्म के बारे में कुछ पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो खरवार जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा। तो खरवार जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता है सिंहबोंगा है, और सिंहबोंगा किसका प्रतिरूप है? वो सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है। अगला पॉइंट है, अन्य देवी देवता। जो
खरवार समाज के लोग जो अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं उनके क्या क्या नाम हैं? मुचुक रानी, दुर्गागिन अथवा पछियारी। उसके बाद है द्वारपार, धरती माई, देवी, चंडी, दरहा, दक्षिणी आदि। तो अन्य देवी देवता कौन कौन से हैं? मुचुक रानी, दुर्गागिन, पछियारी, द्वारपार, धरती माई, देवी, चंडी, दरहा तथा दक्षिणी आदि। खरवारों के धार्मिक अनुष्ठान प्रायः ब्राह्मण करते हैं, लेकिन कुछ खास जनजातीय अनुष्ठान के लिए पहान या बैगा को बुलाया जाता है। तो खरवारों के जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वे प्रायः ब्राह्मणों द्वारा कराए जाते हैं, लेकिन जो कुछ खास जनजातीय अनुष्ठान होता है वो उनके लिए पहान या बैगा को पूजा करवाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे साथ द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में बने रहिए, अगले क्लास में मिलेंगे फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।